तो हेलो प्रियो बच्चों, क्या हाल है? अब तो देखो बहुत कम समय है भाई हमारे पास, है ना। तो अगर समय कम है तो उस समय को अच्छे से यूटिलाइज भी करना है हमें। वो कैसे यूटिलाइज करना है अभी पता चलेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री तो हम कर ही रहे हैं, आप लोग माइक्रो कोर्सेस पे भी ध्यान दे रहे हो मुझे पता है धीरे धीरे, बट अब माइक्रो कोर्सेस से काम नहीं चलने वाला, उसके साथ हमें कुछ और भी करना पड़ेगा, वो मैं बताऊंगा आपको इस लेक्चर के एंड में। तो जुड़े रहना प्लीज, एंड तक स्किप मत करना, क्योंकि आज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो जो प्री के रिस्पेक्ट में, प्री के रिस्पेक्ट में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। कैसे देखते हैं जरा, देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कि मुझे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिए हुए 7/5, और मुझे क्या करना है, मुझे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। देखो दो तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के, एक आपका बेसिक तरीका जो बार बार लगा रहे हो, एक आपका एडवांस तरीका जो आपको आगे जाके लगाना है। देखो क्या है मेरे पास, देखो मुझे दिया बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/5, ये दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 7/5। देखो सबसे पहली बात क्या है, इसको स्केलिंग बोथ साइड्स कर दो, क्या आएगा मेरे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 7/5 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस, बिकॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है मेरे पास, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो मुझे चाहिए है। क्या मुझे यही चाहिए था? जी हाँ मुझे यही चाहिए था। बराबर कितना है, 49/25। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो था 1, 1 प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 49/45। ठीक है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 49/25 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 24/25। ठीक है जी, यानी 49/25/25 यानी कितना 24/25 हो गया। ये किसकी वैल्यू मेरे पास, 2 ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना 24/25, तो ये कितना हो गया मेरे पास, क्या है मेरे पास सही आंसर 12/25। बिल्कुल सही आंसर है 12/25। बट अब देखो जरा, क्या पेपर में इतना टाइम है मेरे पास, मैं इतना लंबा चौड़ा सोल्यूशन करूँ? वी डोंट हैव मच टाइम इन द एग्जामिनेशन हॉल। अब एग्जाम में कैसे करना देखो जरा, ऑफिस नोट कर ही लिया होगा। देखो मुझे दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 7/5, है ना। अगर मैं ध्यान से देखूँ साइन थीटा कॉस थीटा होता क्या है मेरा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना है मेरे पास 7/5, है ना। तो ये कितना हो गया परपेंडिकुलर प्लस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 7/5। तो देखो एक बार ध्यान से देखो जरा, क्या 3 4 5 का ट्रिपलेट ऐसा होता है? अगर मैं उसको 3 ले लूँ, उसको 4 ले लूँ, उसको 5 ले लूँ, डजंट मैटर। अगर आप सोचो कि 3 यहाँ नहीं आ सकता, भाई 3 और 4 में से कोई भी आ सकता है यहाँ पे, समझ आ गई बात। तो आपको करना क्या, पी प्लस बी अपॉन एच, यानी इसका मतलब कितना हुआ, क्या 3 प्लस 4/5 आ गया, बिल्कुल ये भी 7/5 आ रहा है। तो ये सिंपल और सिंपल मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री का पाइथागोरस बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, तो स्टूडेंट ये बेसिकली बन गया मेरे पास आपका एक पाइथागोरस बेस्ड प्यारा सा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन इज
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साइन थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 17/13। मैं दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, दूसरा तरीका आप जब तक ट्राई करेंगे ठीक है। स्केलिंग बोथ साइड्स करेंगे इसको, जरा क्या होगा देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्केल इज इक्वल टू 17/13 का होल स्केयर। ये क्या मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल 289/169 ठीक है। देखिए नेक्स्ट पे चले, देखो ये होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल 289/169। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 289/169 माइनस 1 यानी कितना 289 माइनस 169 डिवाइडेड बाय 169। तो ये कितना है मेरे पास 120/169। तो 2 यहाँ पे था तो कितना बचा मेरे पास 60 बचा 60/169 ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बट अब मुझे इसको कैसे करना है अगर आपको थोड़ा थोड़ा समझ आया होगा तो मैं आपको बता दूं ठीक है। देखो मेरे पास दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल 17/13। पिछले क्वेश्चन से आपको कुछ पता चला होगा इसका हल्का फुल्का, पिछले क्वेश्चन का कुछ आपको हल्का फुल्का पता चला होगा। पी अपॉन एच प्लस बी अपॉन एच ये कितना होगा पी प्लस बी अपॉन एच यानी कितना 17/13। अगर 13 आपके पास हाइपोटेन्यूज है तो आपको एक बात समझ आनी चाहिए, ये 5 है ये 12 है तो ये आपका 13 हो जाना चाहिए। ये 12 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है और ये 12 भी हो सकता है ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मुझे निकालना गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा क्या होता है मेरे पास 12/13 इंटू कॉस थीटा क्या होगा मेरे पास 5/13 तो कितना होगा 60/169। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन था काफी है ठीक है। चलिए चले गए क्वेश्चन पे, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं भाई, कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा ठीक है। और आज एक बढ़िया सी चीज आपके लिए लेके आया हूं मैं, पता चल गया। देखो माइक्रो कोर्स का तो आपको पता ही है ना, माइक्रो कोर्स का तो आपको पता ही, बट उसको छोड़ के भी बहुत सारी चीजें जो अभी पीडी आपके लिए कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं देखते हैं, देखो क्या है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। देखो cos 4 थीटा माइनस ऑफ साइन 4 थीटा इजिकल टू कितना 2/13 है। फाइंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। देखिए बेटा मुझे पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, वो ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अगर मैं इसको खोलना चाहूं उसमें कैसे लिख सकता हूं, cos स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका वो किसके बराबर है 2/13 के बराबर है ठीक है। तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा और ये किसके बराबर है 2/13 ठीक है। अब देखो जरा ये तो 1 हो गया, तो क्या बचा मेरे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया 2/13। मुझे निकालना क्या है प्लस 1, तो यहाँ पे प्लस 1 कर दो, 2 प्लस 13 कितना होगा
15/13 आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 15/13 मेरे बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, नोट करो जल्दी से, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलो बेटा ये है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत कभी भी आप मॉक टेस्ट दोगे ना उसमें तकरीबन तकरीबन आपको ये क्वेश्चन ऐसे ही मिलना मिलना है, ठीक है। देखो क्या दिया, कॉस केयर अल्फा अपॉन कॉस बीटा, सॉरी कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा इजिकल टू एम दिया, नेक्स्ट क्या दिया कॉस अल्फा अपॉन एन बीटा इजिकल टू क्या दिया एन दिया, मुझे दो इक्वेशन दो, मुझे निकालना है एम स्केयर प्लस एन स्केयर कॉस स्केयर बीटा, मुझे ये निकालना है ना। देखो अगर मैं पहली इक्वेशन को लू कॉस अल्फा इजिकल टू एम कॉस बीटा आ गया, यहां से क्या आ गया कॉस अल्फा इजिकल टू एन साइन ऑफ बीटा, ठीक है दोनों को स्केयर करो आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू एन स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है जी ओ मीटिंग है तो चलो आगे, ये दो इक्वेशन आ गई मेरे पास, ठीक है। देखो बेटा ये भी कॉस स्क्वायर की वैल्यू और ये भी कॉस स्क्वायर की वैल्यू, तो दोनों को बराबर रख दे, अगर मैं इसे बराबर रखता हूँ क्या आएगा एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू एन स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ बीटा आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जरा, थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात को, अगर मुझे कॉस बीटा चाहिए तो मुझे साइन बीटा इलेमिनेट करना पड़ेगा, मेरे पास एक चीज आएगी कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू तो साइन स्क्वायर बीटा आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, चलो तो ये क्या आ गया एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर इनटू ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये कितना आएगा एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस ऑफ एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, तो ये कितना आ गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इनटू ऑफ कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू कितना आपका एन स्क्वायर, तो यही तो निकालना है मेरे को। देखो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन, ठीक है चलो जी नोट कर लो अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। नोट करो जल्दी से अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं। अब चलिए जी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी, साइन अपॉन साइन बी इजिकल रूट 3/2 कॉस अपॉन कॉस बी इजिकल टू रूट 5/2 आपको निकालना है 5 टेन स्केयर ए प्लस टेन स्केयर 3b यानी a और b के एक स्पेसिफिक वैल्यू मुझे इसमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो मेरे को क्या दे रखा है साइन ए अपॉन साइन बी इजिकल टू रूट 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो 2 साइन ए इजिकल टू रूट 3 साइन बी, 2 साइन ए इजिकल टू रूट 3 साइन बी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या दी है मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करो कॉस ए इजिकल टू रूट 5 कॉस बी, ठीक है ये किए दो
ये इक्वेशन एक है और वो इक्वेशन दो है, इन बोथ साइड्स कर दो, क्या आएगा देखो, फोर टू थ्री साइंस स्क्वायर भी, ठीक है, ये क्या आएगा फोर स्क्वायर इजिकल टू फाइव कॉस स्क्वायर भी आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिए अगर मैं इसको एक मानू इसको दो मानू, मैं ऐड कर दूं इक्वेशन वन इक्वेशन नंबर टू, मतलब क्या करो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड को ऐड कर दो, तो क्या आएगा मेरे पास फोर साइंस स्क्वायर प्लस फोर कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री साइंस स्क्वायर बी प्लस फाइव कॉस स्क्वायर है, ठीक है। तो ये देखो ये कितना है, फोर अगर मैंने कॉमन लिया साइंस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू इसको कैसे लिखूंगा मैं, अगर ऐसे लिखूं थ्री साइंस स्क्वायर बी प्लस थ्री कॉस स्क्वायर बी आएगा, सॉरी ए नहीं है बी है ये, प्लस टू कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। तो ये कितना हो गया फोर इजिकल टू, ये कितना हो गया थ्री टू वन प्लस टू कॉस स्क्वायर बी, लेट मी चेक द स्टेटमेंट, ठीक। देखो ये कितना हो गया भाई मेरे पास फोर माइनस थ्री इजिकल टू कॉस स्क्वायर बी, कॉस ही था ना मेरे हिसाब से फाइव, हाँ ठीक है। तो ये कितना आ गया टू कॉस स्क्वायर बी, तो टू कॉस स्क्वायर बी इजिकल टू वन कॉस बी इजिकल टू वन बाई रूट टू, तो बी कितना आ गया यहाँ से बी आ गया मेरा पैंतालीस डिग्री, ठीक है, बी कितना आ गया अपने पास पैंतालीस डिग्री, बी पैंतालीस आ गया। अब दूसरी बार देखो, अब सारा मिटा दें जरा, बी पैंतालीस आ गया, तो अगर मेरे पास बी पैंतालीस आ गया तो यहां पुट कर दो, देखो साइन ए अपॉन अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दू तो साइन ए अपॉन कॉस है साइन बी अपॉन कॉस बी, तो टेन ए अपॉन टेन बी इज़ रूट थ्री बाय रूट टू रूट फाइव बाय रूट टू सॉरी टू, तो क्या ये रूट थ्री बाय फाइव आ गया, रूट थ्री बाय रूट फाइव बिल्कुल ये आएगा रूट थ्री बाय रूट फाइव, ठीक है। अगर रूट थ्री बाय रूट फाइव आ गया मेरे पास क्या आएगा, तो टेन अगर बी में फोर्टी फाइव पुट करता हूँ तो वन आ गया, तो टेन ए कितना आ गया मेरे पास टेन ए इज़ टू रूट थ्री अपॉन रूट ऑफ फाइव, ठीक है, रूट थ्री अपॉन रूट फाइव। अब दूसरी बात देखिए फाइव टेन स्केयर ए, फाइव टेन स्केयर है यानी फाइव इंटू रूट थ्री बाय रूट फाइव इसका होल स्केयर प्लस टेन स्केयर थ्री भी, देखो टेन स्केयर इंटू फोर्टी फाइव डिग्री, देखो भाई ये कैंसिल आउट हो गया तीन बचा टेन स्केयर थ्री इंटू, ये कितना आ गया पैंतालीस नब्बे एक सौ पैंतीस टेन एक सौ पैंतीस डिग्री, देखो भाई टेन एक सौ पैंतीस कितना होगा अगर मैं टेन एक सौ पैंतीस की बात करूं, टेन एक सौ पैंतीस डिग्री ये कितना होगा टेन ऑफ नाइनटी डिग्री प्लस फोर्टी फाइव डिग्री माइनस कॉट, कॉट एंड चेंज आपको अच्छे से मैंने बता दिया, माइनस कॉट कितना पैंतालीस डिग्री, अब कॉट पैंतालीस आ गया तो कॉट पैंतालीस होता भाई माइनस वन, तो कितना आ गया मेरे पास थ्री माइनस वन यानी कितना तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है होपफुली आपको समझ आ चुका होगा और अच्छे से आपने इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। अब वो बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या है, देखो जरा प्री टेस्ट सीरीज फॉर एस एस सी टायर वन, मेरे पास कुछ एक सेक्शन है जहां पे आपके फ्री मैंने टेस्ट कर दिए, ठीक है, और आप उन टेस्ट को दीजिए और देखिए क्या क्या आपके पास लूप हो सकता है, बिकॉज
जब तक आप टेस्ट सीरीज, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं लगा के चलूंगा 1 महीने से कम टाइम है, या 1 महीने के आसपास का टाइम है मेरी एग्जाम में, ठीक है। तो मुझे करना क्या है, मुझे ज्यादा से ज्यादा टेस्टों को देना है। कैसे दूंगा, देखो इसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। मैं बता भी देता हूँ कहाँ से मिलेंगे, आप कहाँ से अवेल कर सकते हैं। अब जाएंगे पहले अभी pdf.ubuntu.com पे, और माइक्रो कोर्सेज का लिंक भी आपको उसी में मिलेगा, ठीक है। चलिए ये चूज एग्जाम, ये SSC CGL एग्जाम, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अब आपने माइक्रो कोर्स पे जाना, आपने जाना टेस्ट कोर्सेज के ऊपर, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ये आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आपके पास यहाँ पे देखो ये रहा SSC टेस्ट सीरीज tier 1 फ्री टेस्ट। अब देख लेते हैं इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट मुझे प्रोवाइडेड हो रहे हैं, मुझे मिल रहा। देखो जैसे कि मैं बात करूँ, आपके पास कंप्यूटर का मॉक है, ठीक है, सॉरी कंप्यूटर कह रहे कंप्लीट मॉक है, यहाँ पे सेक्शनल मॉक है, यहाँ पे सेक्शनल है, देखो एप्टीट्यूड का सेक्शनल है। तो ऐसे करके मेरे पास टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टेस्ट है मेरे पास, वी हैव 20 टेस्ट। देखो ₹1000 का था, फ्री कर देगा आप लोगों के लिए रीजन कि अब आप लोग थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करो, लूप होल्स को देखो क्या क्या लूप होल्स हैं, ठीक है। अब मैं इतना ही कर सकता हूँ भाई कि आपके लिए 20 टेस्ट पहले दो, फिर मुझे बताओ कि कमी कहाँ पे है, तो आज ही लगाना शुरू करो इस, ठीक है। और यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है, तो उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये जो टेस्ट सीरीज है ना, इसको खाली मत जाने देना, प्लीज़ दीजिए इस टेस्ट सीरीज को, ठीक है। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।